तो देखिए फ्रेंड, आज रस की खीर बनाएंगे, जिसे रसौर भी बोलते हैं, गन्ने के जूस की। आज हम ताज़ा ताज़ा रस पिरा के लाए हैं, एक बूंद पानी नहीं है इसमें। तो ये 4 लीटर रस है, प्योर रस। तो इसके आज हम रस खीर बनाएंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने ये चावल भिगो दिए हैं 2 घंटे पहले। तो रस को खोलने देते हैं, रस खोल जाएगा तब ये चावल डालेंगे। प्योर जूस में ऐसे झाग निकलता है, ऐसे दिखता है, ये देखिए प्योर जूस में। और जिसमें पानी मिला होता है उसमें ये झाग नहीं दिखता है। इसको खोलने देंगे, बराबर चलाएंगे, और इसमें जो छना हुआ जो नीचे था वो सब निकल आया है, देखिए। अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक खोल नहीं जाता। देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। फ्रेंड, ये हमारे यहाँ का प्योर गन्ने का जूस है। हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, और हम आपको ये भी बताएंगे अगले वीडियो में कि गुड़ कैसे बनता है। हमारे यहाँ कोल्हू है, गुड़ भी बनता है वहाँ पे। और ये मेरे घर का जूस है, तो ये प्योर है। झाग आ गया है ऊपर। फ्रेंड, ये जो गंदगी है इसको उतारने के लिए हम थोड़ा दूध डालेंगे। दूध डालने से ये गंदगी छट जाएगी। अभी देखना, पूरी किनारे किनारे गंदगी हो जाएगी साइड में, और हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, ये दूध डालने से एकदम, थोड़ा और डाल देते हैं, ये गंदगी निकल आएगी और रस साफ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, गंदगी ऊपर आ गई है। अब हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, ऊपर ऊपर से इस तरीके से, रस की सारी गंदगी दूध के द्वारा। ये देखिए कितनी निकल रही है, अगर गंदगी ज़्यादा है तो थोड़ा दूध डाल दें, गंदगी छट जाएगी रस की। इसकी गंदगी इतनी सारी निकल आई है, अब इसको हम खोलने देते हैं। ये खोलने लगा है, अब इसमें हम ये चावल डाल देंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे बराबर। देखिए फ्रेंड, रस और खोल रही है। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड, रस और हमारी तैयार है। रस और भी कह सकते हैं, रस खीर भी कह सकते हैं। इंडक्शन को ऑफ करते हैं और दूसरे बॉल में ट्रांसफर करते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड, रस और तैयार है। इस टाइम ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश जूस मिल रहा है, बनाइए खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।